जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। और जो आप प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी महिला या पुरुष, लड़का या लड़की, किसी को भी अपने वश में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और मुझे हमेशा इस विषय को लेकर कमेंट्स आपके मिलते रहते हैं कि हमें ऐसा कोई तरीका बताओ कि हम किसी को भी अपने वश में कैसे कर लें। तो ये वीडियो बिल्कुल सही है, आपको सही जानकारी देना है, कहीं भी कोई भ्रांति फैलाना हमारा उद्देश्य नहीं है, और आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। बस शर्त ये है कि आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। दोस्तों, कई बार आप इस विषय को लेकर इतने सारे परेशान हो जाते हैं, कई सारे लोग आपको इस विषय को लेकर ठग लेते हैं, कई बार आप हज़ारों, कई बार लाखों रुपए, और हम पहले ही परेशान हैं, और इस किसी को वश में करने का जो हमारा एक फितूर है वो हमें और कई सारी परेशानियों में डाल दिया है। तो क्या है, सरल तरीका क्या है, क्या नहीं है, उस सभी पर हम चर्चा करेंगे और इसमें आप पूरे डिटेल में बात जान पाएंगे। और इससे पहले एक छोटा सा मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, कमेंट्स में लिखें जय शिव शंभू हर हर महादेव। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहली और मुख्य बात कि कभी भी कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वश में नहीं कर सकता है, ये केवल एक मिथक है, ये केवल आपको भ्रमित करना है और ये केवल आपको ठगने का एक प्रयास है। इसलिए ऐसी सभी चीज़ों से, कोई व्यक्ति अगर ये दावा करता है कि हम इसे वश में कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे सभी दावों को आप पहले तो खारिज करें और ऐसे लोगों के चुंगल में ना फंसें, क्योंकि इसमें आपका धन और सभी चीज़ों का हानि होगा। मैं इसका प्रमाण भी आपको देता हूँ। जब गीता में ये साक्षात रूप से लिखा है कि हर एक व्यक्ति को कर्म की आज़ादी है, कर्म जो हम कार्य करते हैं वो, जिस पर कोई भी व्यक्ति बंदिश नहीं लगा सकता है, ईश्वर भी नहीं लगा सकता, भगवान खुद कहते हैं आप अच्छे कर्म करें, क्योंकि कर्म का फ्रीडम तो हमें दिया ही हुआ है। तो फिर क्यों हम इस विषय को लेकर इतना गंभीर होते हैं कि किसी ने, और ये जो एक भ्रांति बना रखी है ना कि हमारे पति को किसी ने कुछ खिला दिया, या पत्नी को, या बच्चे को, या लड़की को, ये सिर्फ एक मिथक है और ये एक भ्रामक चीज़ है जो हमें भ्रमित कर रही है। और इसके उपचार के लिए हम लाखों हज़ारों रुपए खर्च करके खुद का धन का हानि करते हैं, खुद का वक्त का हानि करते हैं, और बेचारे एक व्यक्ति को आप मानसिक रूप से पीड़ाएं अलग देते हैं। उसका सबसे सरल तरीका है, अब एक डॉक्टरी जो सलाह है वो अलग है, अपने इष्ट का मंत्र, गुरु मंत्र का जप, भगवान का जप मंत्र, इसी से वो चीज़ें ठीक हो सकती है और आप उससे बहुत जल्दी से बाहर आ सकते हैं। ऐसे किसी भी दावे को या किसी भी व्यक्ति जो आपको इस तरह की बातें कहते हैं, इनके चुंगल में आप मत फंसे, इनके जाल में मत फंसे, ये चाहे जो भी दावा करें। प्लीज़ दोस्तों, मेरा यही हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि अगर आपको किसी व्यक्ति को वश में करना है, वो प्रेम है, सौहार्द है, आप उसके अच्छे काम, उसके उसकी मदद करके, उसको खराब हालातों में साथ देकर, उसका सही राय देकर, इसी से व्यक्ति हमेशा भाव प्रेम बना रहता है। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है, जितने भी तरीके हैं वो गलत हैं और वो सही नहीं है, और वो सिर्फ ठगी का एक साधन है। ओम नमः शिवाय।